हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। अब स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। इसी के साथ में CSJMU फाइनल ईयर एग्जाम के रिगार्डिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये बात क्लियर हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये महत्वपूर्ण जानकारी। स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, फर्स्ट वन उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देखना जरूरी है, तभी आप उस खबर को समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए, नहीं तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं 6 जुलाई को जारी UGC गाइडलाइंस के अगेंस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी, शिक्षा मंत्रालय, ट्विटर ट्रेंड योगी जी से गुहार लगाई गई, इवनली सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। पहली सुनवाई 24 जुलाई को हुई, 27 जुलाई को इस केस को ट्रांसफर किया गया, पिछली जो सुनवाई जो है 14 अगस्त को रही और नेक्स्ट जो सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी। इंतजार खत्म। तो जैसा कि हम जानते हैं UGC अपने निर्णय पर अडिग है, परीक्षा नहीं तो डिग्री नहीं के सिद्धांत पर कार्य करते हुए CCMU यूनिवर्सिटी ने अपना वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो जैसे और जिसे आप साइड में क्लिप में देख सकते हैं, इसी के अंतर्गत जो हेडलाइन है, सेमेस्टर परीक्षा 29 अगस्त और BEd की 31 अगस्त से शुरू होगी। UG और PG अंतिम वर्ष में 1,64,000 परीक्षार्थी 1,64,000 स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। तो चलिए आपका इंतजार हुआ खत्म। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो चलिए अब उस मीठे का स्वाद लेने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्नातक अंतिम वर्ष, परास्नातक अंतिम वर्ष एवं BEd अंतिम वर्ष की लिखित परीक्षा अगले महीने यानी सितंबर के प्रथम सप्ताह, प्लीज़ ध्यान दीजिए, सितंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की प्रबल संभावना है। ध्यान दीजिए, प्रबल संभावना है। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राएं प्रमोट कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, कॉन्ग्रेट्स इन एडवांस। अंतिम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएं प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी संपन्न कराई जाएगी, दैट्स मीन थ्योरी एग्जाम भी होंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम भी अवश्य ही होंगे। एंड लास्ट वन कि अगले सप्ताह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, टिल देन कीप पेशेंस। तो आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी, ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। टिल देन ओके बाय।